जय हिंद। देसी कट्टा भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले हथियारों में से एक है, साथ ही काफी लोकप्रिय भी है। देश में सबसे अधिक घटनाओं को अंजाम देसी कट्टा से ही दिया जाता है। ऐसे में देसी कट्टा देश के लिए एक चिंता का विषय है। आइए जानें देसी कट्टा अपराध में कदम रखने के लिए क्यों सबसे अधिक पसंद किया जाता है, साथ ही आपको देसी कट्टा क्या होता है, देसी कट्टा के क्या है फायदे एवं नुकसान, और देसी कट्टा बंदूक की कीमत कितना होती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये सब पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आर्म लाइसेंस और हथियार से संबंधित जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुनील, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देसी कट्टा एक तरह का हथियार है जिसे देसी कट्टा के नाम से जाना जाता है। जैसे पिस्टल, तमंचा, असला सभी हथियार के नाम हैं, उसी प्रकार से देसी कट्टा भी एक हथियार है जिसे सबसे अधिक भारत में प्रयोग किया जाता है। देसी कट्टे का इस्तेमाल अपराध जगत में सबसे अधिक होता है, क्योंकि यह सस्ता होने के साथ साथ बिना लाइसेंस के अपराधी को आसानी से मिल जाता है। आसान भाषा में कहें तो देसी कट्टा एक गैर लाइसेंसी हथियार है। भारत में हथियार रखना आसान नहीं है, क्योंकि हथियार रखने के लिए सबसे पहले भारत सरकार से हथियार का लाइसेंस लेना होता है। उसके बाद ही हथियार जैसे बंदूक, पिस्टल और अन्य हथियार को रख सकते हैं। लेकिन देसी कट्टा एक गैर लाइसेंसी हथियार है, इसलिए देसी कट्टे की कीमत लगभग 4 से 5 हजार होती है। देसी कट्टा के फायदे एवं नुकसान। पैरा 1, देसी कट्टा के फायदे और नुकसान की बात की जाए तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे बहुत ही कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। पैरा 2, देसी कट्टा को बहुत से अपराधी खुद ही बना सकते हैं, इसलिए देसी कट्टे का इस्तेमाल भी अधिक होता है। पैरा 3, देसी कट्टे को प्रयोग दूसरे असले की तरह किया जाता है और इसकी गोलियां भी बाजार में आसानी से मिल जाती है। पैरा 4, देसी कट्टे का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि फायरिंग के समय गोली निकलने वाले नली कभी भी फट सकती है। ऐसे में कट्टा चलाने वाला व्यक्ति कभी भी घायल हो जाता है, ऐसे बहुत से मामले देखने को मिलते हैं। पैरा 5, देसी कट्टा जुगाड़ से बनाया हुआ एक हथियार है, मतलब लोहे के कुछ पुर्जे को जोड़कर इसे बनाया जाता है, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत कम होती है। पैरा 6, देसी कट्टा की कीमत लगभग 4 से 5 हजार रुपए होती है, जो कि किसी भी भारतीय के लिए बहुत ही कम है। पैरा 7, देसी कट्टे से एक बार में एक गोली को चलाया जा सकता है, इससे अधिक गोली चलाने के लिए दोबारा से लोडिंग करना होता है। पैरा 8, देसी कट्टा से सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए इसे चलाने वाले को भी नुकसान हो सकता है। पैरा 9, देसी कट्टा कुछ मीटर की दूरी के लिए फायरिंग करता है, लेकिन काफी घातक हथियार भी माना जाता है। तो दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।